और दूसरा सवाल, घर क्यों नहीं बिक रहा? ओ भाई, मिट्टी तक बिक जाती है दोस्तों, घर क्यों नहीं बिकेगा? घर आपका इस लायक है, बिकने लायक है, उसके कारण को ढूंढिए। आपका घर किस एरिए में है? सुनसान एरिए में तो नहीं है? क्योंकि दोस्तों एक बात को यहां समझना होगा, एक बायर के पास 10-12 ऑप्शन होती हैं। ऐसा नहीं वो आपके घर को देखने आया उसी को ले ले, क्योंकि वो सिलेक्ट कर रहा होता है, चूज कर रहा होता है, वो कंपेयर कर रहा होता है कि आप वाला घर अच्छा दिख रहा है या किसी और का घर अच्छा है। अगर आपका घर अच्छा नहीं है, स्लाब है, सीलन है, क्रैक है, टूटा फूटा हुआ है, फर्श टूटा हुआ है, गेट अच्छा नहीं है, एरिया अच्छा नहीं है, और कीमत भी आप ज्यादा मांग रहे हो, तो कैसे बिकेगा घर? सोच के देखिए, सोचना ही तो है दोस्तों। मिट्टी तक बिक जाती है, घर क्यों नहीं बिकेगा? आपका घर किस एरिए में है? बायर को पसंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो पर्सन अपने घर में रह रहा होता है, वो रोज देख रहा होता है उस घर को, तो उसको पता ही नहीं चल पाता इसमें कमियां कितनी, किस तरह की कमियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो वो आदि हो जाता है अपने घर को देखने का। बस उसके मन में एक ही चल रहा है, घर क्यों नहीं बिक रहा, घर क्यों नहीं बिक रहा। भाई, आप उस घर को उस लायक नहीं बना रहे कि वो बिक जाए। और तीसरा सवाल,